हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर न्यू वीडियो। अगर आप इग्नू के नए स्टूडेंट हैं, यानी कि आप इग्नू में पहली बार एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इग्नू के ऐसे लाखों स्टूडेंट हैं जो इस बार इग्नू में पहली बार एग्जाम देने वाले हैं, और जितने भी स्टूडेंट इस बार इग्नू में पहली बार एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी जो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता होता है तो इससे आपके पूरे 6 महीने या फिर 1 साल खराब हो सकते हैं। खराब क्यों हो सकते हैं ये अभी आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा, तो इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा जिससे कि बाद में आपका कोई डाउट कंफ्यूजन ना रहे। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इग्नू के ऐसे लाखों स्टूडेंट हैं जो इस बार इग्नू में पहली बार एग्जाम देने वाले हैं, तो जो भी स्टूडेंट पहली बार एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए इग्नू के UFM सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। यानी कि UFM यानी कि यूजिंग अनफेयर मीन्स, ये होता क्या है इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर इसको आसान से शब्दों में बताया जाए तो अगर आप एग्जाम को गलत तरीके से देते हैं तो आपके ऊपर UFM लगाया जाता है, और जब आपके ऊपर UFM का केस लग जाता है तो ऐसे में जो आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया जाता है। यानी कि जिस भी सब्जेक्ट में आपका UFM लगता है उस का एग्जाम आपका कैंसिल कर दिया जाता है, जिसका एग्जाम आपको दोबारा से देना होता है। लेकिन इसके लिए भी कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है। जब आप एग्जामिनेशन फीस सबमिट करते हैं तो यहाँ पर आपको UFM यानी कि यूजिंग अनफेयर मीन्स के बारे में बताया जाता है, और साथ ही में यहाँ पर जब आप डिक्लेरेशन को टिक करते हैं तो यहाँ पर भी आपको UFM के बारे में बताया जाता है। और अगर इसी को और भी डिटेल में बताया जाए कि आपके ऊपर UFM क्यों लगाया जाता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप एग्जाम को गलत तरीके से देते हैं, जैसे कि आप एग्जाम में चीटिंग करते हैं या फिर कॉपी करते हैं, या फिर आप एग्जामिनेशन हॉल में मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल में से देख करके लिखते हैं, या फिर एग्जामिनेशन हॉल में आप टीचर के साथ या फिर स्टूडेंट के साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो ऐसे में आपके ऊपर UFM यानी कि यूजिंग अनफेयर मीन्स का केस लगाया जाता है, और ऐसे में आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया जाता है। तो इसी को हम और भी डिटेल में समझते हैं कि आखिर किन किन कंडीशन में जो है किन किन कारणों की वजह से आपके ऊपर UFM का केस यानी कि यूजिंग अनफेयर मीन्स का केस लगाया जाता है, और अगर आपके ऊपर अनफेयर मीन्स का केस लग जाता है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि UFM होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप एग्जाम को गलत तरीके से देते हैं तो आपके ऊपर UFM यानी कि यूजिंग अनफेयर मीन्स का केस लगाया जाता है, और आपका एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाता है, और साथ ही में आपके एग्जाम के रिजल्ट को होल्ड पर रख दिया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना चाहिए कि आपको एग्जाम जो है पूरे ईमानदारी के साथ देना चाहिए, आपको जो है चीटिंग वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अब हम बात करते हैं कि ऐसे कितने कारण हैं जिसके वजह से आपके ऊपर UFM यानी कि यूजिंग अनफेयर मीन्स का केस लग सकता है। तो जो सबसे पहला कारण है और जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, जिसका इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए, वो है कॉपी का। यानी कि अगर आप किसी के आंसर शीट में से आंसर को कॉपी करते हैं तब आपके ऊपर UFM का केस लगाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने फ्रेंड का आंसर शीट में से सेम टू सेम आंसर को कॉपी करते हैं तो आपके ऊपर UFM यानी कि यूजिंग अनफेयर मीन्स का केस लगाया जाता है। और साथ ही में अगर आपका फ्रेंड आपके आंसर शीट में से सेम टू सेम आंसर को कॉपी करता है तो आपके ऊपर तो UFM लगेगा ही, साथ ही में जो आपका फ्रेंड है उसके ऊपर भी UFM लग सकता है। आसान से शब्दों में इसको बताया जाए तो अगर आप कहीं से भी आंसर को कॉपी करते हैं, चाहे आप अपने फ्रेंड के आंसर शीट में से आंसर को कॉपी करते हैं या फिर अगल बगल कहीं से भी आंसर को कॉपी करते हैं, तो आपके ऊपर UFM का केस यानी कि यूजिंग अनफेयर मीन्स का केस लगाया जा सकता है। आप कितने ही होशियारी से या फिर चालाकी से चीटिंग करो, पर जो एग्जामिनर है उनको पता चल ही जाता है कि आपने किसके में से आंसर को कॉपी किया है, क्योंकि आंसर शीट पर एक सीरियल नंबर लिखा हुआ रहता है और सीरियल नंबर से ही पता चल जाता है कि आपके आगे पीछे कौन बैठा था और आपने किसके में से आंसर को कॉपी किया है। तो इसीलिए आपको जो है किसी का आंसर कॉपी नहीं करना चाहिए। तो आपको एग्जाम जो है पूरे ईमानदारी के साथ देना चाहिए, यानी कि आपको कहीं से भी आंसर कॉपी नहीं करना चाहिए, जो आपको आता है वही एग्जाम में आपको लिखना चाहिए, आपको किसी का सेम टू सेम कॉपी नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने फ्रेंड का आंसर कॉपी करते हैं या फिर अगल बगल कहीं से भी आंसर को कॉपी करते हैं या फिर किसी प्रकार के चीटिंग का इस्तेमाल करते हैं तो आपके ऊपर UFM यानी कि यूजिंग अनफेयर मीन्स का केस लगाया जा सकता है और आपके एग्जाम को कैंसिल किया जा सकता है। और इसके अलावा और भी ऐसे कारण है जिसके वजह से आपके ऊपर UFM का केस लग सकता है। तो इसमें ये चीजें भी आता है कि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में चीटिंग करते हैं या फिर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तब भी आपके ऊपर UFM का केस लगाया जा सकता है। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में मोबाइल में से आंसर लिख रहे हैं या फिर चीटिंग के लिए किसी भी कटिंग पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी आपके ऊपर UFM का केस लगाया जा सकता है। और अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाते हैं तो जो इनविजिलेटर है वो आपके मोबाइल को
ले लेता है, यानी कि आपका मोबाइल जो है जब्त कर लिया जाता है, और जो आपका आंसर शीट है उस पर भी ये चीजें लिख दिया जाता है कि आप जो है चीटिंग करने के लिए किसी कटिंग पेपर का इस्तेमाल कर रहे थे, और कटिंग पेपर को जो है आपके आंसर शीट के साथ ही अटैच कर दिया जाता है, और आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाते हैं तो आंसर शीट में लिख दिया जाता है कि आप जो है चीटिंग के लिए मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे, और आपका जो आंसर शीट है वो आपसे ले लिया जाता है, और साथ ही में आपका मोबाइल भी ले लिया जाता है, और आंसर शीट पर क्लियरली लिख दिया जाता है कि आप जो है चीटिंग करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल कर रहे थे और आप जो है चीटिंग कर रहे थे। तो अगर आप चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं तो ये चीज आपके आंसर शीट पर लिख दिया जाता है, और आपके ऊपर जो है UFM यानी कि यूजिंग अनफेयर मीन्स का केस लगा दिया जाता है और आपसे आंसर शीट ले लिया जाता है। तो यहाँ पर इसी को आसान से शब्दों में बताया जाए तो आप जो है चीटिंग के लिए किसी भी प्रकार के मेटेरियल का इस्तेमाल मत कीजिए, यानी कि आप पूरे ईमानदारी के साथ एग्जाम दीजिए, आपको जो आता है वही आप एग्जाम में लिखिए, यानी कि आप एग्जाम की तैयारी घर से ही करके जाइए, जिससे कि आपको इन चीजों का सहारा न लेना पड़े और आप जो है एग्जाम पूरे ईमानदारी के साथ दे सके। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको जो है एग्जामिनेशन हॉल में जो है चीटिंग वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना ही मोबाइल का इस्तेमाल करना चाहिए, आप जो है पूरा ईमानदारी के साथ एग्जाम दीजिए तो आपका एग्जाम तो अच्छा ही जाएगा, साथ ही में अगर आप एग्जाम ईमानदारी से देते हैं तो आपके ऊपर जो है किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। और इसके अलावा और भी कई रीजन है, जैसे कि अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर के स्टाफ, स्टूडेंट या फिर टीचर के साथ किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार करते हैं या फिर स्टूडेंट के साथ जो है झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो ऐसे में भी आपके ऊपर जो है UFM का केस लगाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर के प्रॉपर्टी को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं तब भी आपके ऊपर UFM यानी कि यूजिंग अनफेयर मीन्स का केस लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पर जो आपको टीचर के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, स्टूडेंट के साथ जो है अच्छा व्यवहार करना चाहिए, किसी भी प्रॉपर्टी को आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए जिससे कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का एक्शन ना लिया जाए। और साथ ही में क्या आपको पता है कि 2015 में 19,000 स्टूडेंट के ऊपर जो है UFM यानी कि यूजिंग अनफेयर मीन्स का केस लगाया गया था। हालांकि इग्नू की तरफ से इस प्रकार का कोई डेटा जारी नहीं किया जाता है, पर 2015 में इग्नू की तरफ से एक डेटा जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि 19,000 स्टूडेंट के ऊपर जो है UFM का केस लगाया गया था। तो इस वीडियो के माध्यम से आपके काफी डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया गया है, और साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं इग्नू के सभी अपडेट इंस्टेंटली पाने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।